नमस्ते दोस्तों, आपका आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। क्या आप जानते हैं हमारा इस पृथ्वी लोक के ऊपर और भी 7 लोक हैं जहाँ की सिद्ध साधु मुनि ऋषि और देवी देवता निवास करते हैं। से बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, आज हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा, ये ब्रह्मांड बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी मिलकर बनी हुई है। इस ब्रह्मांड का ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है, इसलिए ये ब्रह्मांड हमारी समझ और आधुनिक विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है। जब इस ब्रह्मांड पर जल, वायु, अग्नि आदि पंच महाभूत नहीं थे, तब निराकार शून्य ब्रह्म ही संपूर्ण रूप में व्याप्त थे। उन्होंने ही अपने मन में दुनिया की रचना करने की इच्छा जताई, इसीलिए उन्होंने पहले पंच महाभूत की उत्पत्ति की, उसके बाद उन्होंने समस्त लोक की रचना की। आप लोगों को शायद पता होगा, इस धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जैसे कि सबसे पहले है सत्यलोक, उसके बाद तपलोक, उसके बाद जनलोक, उसके बाद महरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर भुवरलोक। सत्यलोक जहाँ भगवान ब्रह्मदेव निवास करते हैं और इसी सारी सृष्टि की रचना करते हैं, और उसके ऊपर है वैकुंठ धाम। इन सारे प्लैनेट्स को लोक कहा गया है और वैकुंठ को धाम कहा गया है। ऐसा क्यों? वैकुंठ धाम जहाँ पर भगवान आदि नारायण अपनी अर्धांगिनी माता महालक्ष्मी के साथ विराजमान करते हैं, और उनके साथ उनके पार्षदों और बहुत सारे दिव्य साधु संत भी निवास करते हैं। वैकुंठ धाम इसलिए कहा गया क्योंकि इसे किसी ने बनाया नहीं, जबकि दूसरे जो 6 लोक हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वर्गलोक और भुवरलोक और भूलोक, इसे खुद ब्रह्मदेव ने बनाया है। और भी 7 लोक हैं जो कि भूलोक के नीचे है, जैसे कि अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पातल, इसे भी खुद ब्रह्मदेव ने बनाया है। लेकिन जो वैकुंठ धाम है, इसे किसी ने बनाया नहीं। जब भगवान आदि नारायण निराकार से साकार रूप हुए, तभी उनके साथ वैकुंठ धाम अपने ही आप प्रकट हो गया। वैकुंठ धाम की वर्णना ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में भी नहीं मिलता। ऐसे कहा गया है, भगवान श्री हरि के मुख से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, ऋग, साम, अथर्व और यजुर, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सारे वेद और उपनिषद श्रुति के अंतर्गत आते हैं, और एक है स्मृति। स्मृति वो होता है जिसे याद रखा जाता है, जैसे कि हमारा जो पुराण शास्त्र है वो स्मृति के अंतर्गत आते हैं। हमारे वेदों में हर एक लोक की बीच की जो दूरी है उसे सही ढंग से बताया गया है। आज हम जानेंगे पृथ्वी लोक से वैकुंठ धाम की दूरी को, जिसे कि वेदों में बताया गया है 4 पद्म, 10 नील, 40 अरब, 3 खरब, 15,78,444 किलोमीटर। इस दूरी को नापना आधुनिक विज्ञान की समझ के बाहर है। अब हम थोड़ा साइंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, ये जो यूनिवर्स है ये 2 तरह की है, एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसे समझने से पहले हम थोड़ा लाइट की स्पीड के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, लाइट कैन ट्रैवल अप टू 300,000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड, मतलब लाइट 300,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है 1 सेकेंड में। और एक बात, लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसे एक 1 लाइट ईयर कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी दूरी लगभग 45.5 बिलियन लाइट ईयर है। उसके बाद शुरू हो जाता है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे कि वॉयड भी कहा जाता है। इसका मतलब उसके बाद शून्य, जिसे हम निराकार परब्रह्म कहते हैं, उनकी शुरुआत हो जाती है। हम जिस यूनिवर्स में अभी रह रहे हैं उसका नेचर 3D है, और उसके बाद समय की जो यात्रा है वो बंद हो जाती है और वो 4D
और फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। उसके बाद शुरू होती है मल्टीवर्स की कंसेप्ट। मल्टीवर्स का मतलब है मोर देन वन यूनिवर्स, जिसे हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। मतलब जहाँ जिस लोक में जो समय है वो बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब बैकवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड भी मूव करता है, इसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसी मल्टीवर्स के कंसेप्ट में पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को भी जोड़ दिया गया और इसकी शुरुआत ब्रह्मलोक से ही होती है। जैसे कि एक चीज़ हम सभी लोगों को पता है, ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। इसका मतलब ब्रह्मा सिर्फ एक प्लैनेट की रचना नहीं की है, वो जितने भी मतलब 14 लोक हैं, सत्य ताप लोक जन लोक महालोक स्वर्ग लोक भूवलोक भूलोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक की रचना की है। इसके ऊपर छठा आयाम अर्थात जिसे हम सिक्स डायमेंशन कहते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ भगवान अर्थात परमात्मा परब्रह्म का तीन स्वरूप रहते हैं, जिसे हम गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई और महाविष्णु के नाम में जानते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर एक प्लैनेट के अंदर हर एक ब्रह्मांड के अंदर जीवात्मा के स्वरूप में विराजमान करते हैं। इसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में भगवान अनंत के ऊपर विराजमान करते हैं और वहाँ माता महालक्ष्मी उनके साथ विराजमान होते हैं। इसके बाद महाविष्णु जिनसे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और अंत में जब ब्रह्म प्रलय होता है समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर में सूक्ष्म रूप में लीन हो जाते हैं। फिर आता है सातवां आयाम जिसे हम सेवेंथ डायमेंशन कहते हैं, और सातवां आयाम में ब्रह्म ज्योति स्थित होता है, जिससे कि जो मुनि ऋषि ध्यान करते हैं वो इसी सेवेंथ डायमेंशन को ध्यान करते हैं, मतलब इसी ब्रह्म ज्योति को ध्यान करते हैं। इसके बाद फिर आता है एट्थ डायमेंशन जिसे हम कैलाश के नाम में जानते हैं, जहां भगवान महादेव देवाधिदेव महादेव शिव रहते हैं। वहां भगवान श्री महादेव रहकर इस समस्त ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। इसके बाद फिर आता है नाइन्थ डायमेंशन जिसे हम वैकुंठ लोक कहते हैं, जहां भगवान श्री आदि नारायण माता महालक्ष्मी के साथ विराजमान करते हैं और वहां पर बहुत सारे साधु संत मुनि ऋषि और दिव्य आत्माएं रहते हैं और वहां भगवान श्री हरि के पार्षद भी रहते हैं। ऐसा कहा गया है वैकुंठ में रहने वाले समस्त पवित्र आत्माएँ चतुर्भुज स्वरूप होते हैं और समस्त जीवात्माएं दिखने में भगवान श्री हरि की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, इसका उत्तर हम जरूर दे देंगे। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचशखा, जय उड़ीसा, जय भारत।